मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। क्योंकि कुछ दिनों पहले मैं छत्तीसगढ़ में थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और मुझे गर्व होता है इस चीज को कहने में, और सब जगह मैं कहती हूँ कि जहां भाजपा की सरकार ने, जहां जहां भाजपा की सरकार है उन प्रदेशों में जो देश की और प्रदेश की संपत्ति है, मतलब जो आपका पैसा है, वो आपसे छीन के, देश के गरीब से छीन के, देश के किसान से छीन के, देश के मिडिल क्लास से छीन के बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया गया है। और छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां आपकी संपत्ति वापस आपकी जेब में डाली गई है। क्योंकि जो हमारी नीतियां हैं वो यही करती हैं। वहां के आदिवासी क्षेत्र बस्तर को देखिए, आज बस्तर का नाम दुनिया भर में फैला हुआ है। वहां एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी लगाई मिलेट की, रागी की, उनका जो रागी वहां पे बनता है आज दुनिया भर में बिक रहा है। आपको क्या, जो वन के उपज है उसके लिए आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है कि नहीं, बताइए? नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ में 67 वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। धान के लिए सबसे ज्यादा पूरे देश में 2400 रुपए से ज्यादा मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। आपके आदिवासी क्षेत्रों को आगे बढ़ाया गया है। सबसे बड़ा जो आदिवासी संस्कृति का जो मेला लगता है इंटरनेशनल, पूरे दुनिया भर की जो आदिवासी लोग हैं वहां आते हैं, वो छत्तीसगढ़ में आज लगता है। और आपकी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए क्या नहीं किया? यहाँ आवारा पशु की आपकी समस्या है कि नहीं है? खेत चरते हैं आवारा पशु? अच्छा, ये जो समस्या है ना कि रात को दिन में जो आवारा पशु घूम के आपके खेत को चर जाता था, ये बहुत बड़ी समस्या थी छत्तीसगढ़ में। तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं और जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने तय किया कि इस समस्या को हम दूर करना चाहते हैं। तो उन्होंने ऐसे गौठान बनाए जिसमें मेरी बहनें, जब मैं वहां की बहनों से मिलती हूँ, खास तौर से आदिवासी क्षेत्र की, मुझे कहती हैं कि 1-1 लाख से 6-6 लाख रुपए कमा रही हैं, क्योंकि गौठान बनाए, गोबर खरीदी आवारा पशुओं की, आप अगर आप पशु रखेंगे तो आपसे सरकार ने गोबर खरीदी, आपसे गोबर खरीदी, वहां पे जो स्वयं सेवा समूह है वहां उन्होंने काम कराया गोठानों में, और गोठान में से बहुत चीजें ऐसी बनाई जो काम की हो गई। तो हर तरफ से आपको मजबूत बनाने का प्रयास किया, और इसका नतीजा ये निकला कि जनता खुश है। नतीजा ये है कि छत्तीसगढ़ में से जो पलायन होता था, जो नौजवान सब दूर जाते थे नौकरी रोजगार ढूंढने के लिए, वापस आने लगे हैं। किसानों से मिलते हैं तो खुश लगते हैं, मुख्यमंत्री जी को काका कहते हैं, खुशी से, प्यार से, गुस्से से नहीं, जैसे आप लोग मामा जी कहते हैं।